क्या तुझको दिलाए तेरा पैमाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। यासिर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, अब वो ठीक है। अंकल का फोन आया था, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। मानूर बीबी के पास तो बाद में पहुंचेगा, पहले तो मुझसे तो निमट, चल निकल। तुम अपना वो गुनाह कबूल कर चुके हो, मैं जानती हूँ। तुम अल्लाह से तौबा भी कर चुके हो, जो कुछ तुमने अपने माजी में किया है उसकी सजा या जजा अल्लाह के हाथ में, हम कोई नहीं होते। जाना। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं गए। क्या हुआ रहीम बाबा, रुक क्यों गए? वो बोले ना, आप इतना चुप क्यों हैं? जब भरम टूट जाते हैं ना बिटिया, तो लफ्ज भी साथ छोड़ जाते हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? कोई बात बुरी लग गई आपको हमारी? अरे नहीं नहीं बिटिया, बुरी बात तो बराबर वालों की लगती है ना, आपकी और साहब की बात बुरी मानने का भला मुझे क्या हक? बस दिल दुखा तो आंख भर आई। आपने पापा की बात सुन ली थी, उनकी तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूँ, उनकी बात का वो मतलब नहीं था। अरे नहीं नहीं बिटिया, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था, बस मैं ही अपनी औकात से बढ़कर खुद को समझने लगा था। गलती उनकी नहीं, गलती तो मेरी है ना। मैं पापा से बात करती हूँ, वो आपसे खुद सॉरी। नहीं बेटिया नहीं, आप साहब से कोई बात नहीं करेंगी, वरना मैं समझूंगा कि आप भी मुझे साहब की तरह एक नौकरी समझती हैं। लेकिन 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 कुछ नहीं बेटा, आप साहब से कुछ भी नहीं कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी आप। तुम्हारे साथ नहीं है वो? चलो ठीक है, मैं देखता हूं, खुदा हाफिज। हेलो हेलो अंकल, यासिर कहाँ है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ भी नहीं है? नहीं अंकल, मैं तो अपने घर पे हूँ, क्यों क्या हुआ? बेटा मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था, वो सुबह ही सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा फोन आने से पहले मेरी शाहिद से बात हुई है, वो उसके साथ भी नहीं है। बड़ी फिक्र हो।
मैं तो समझ रहा था कि शायद वो तुम्हारी तरफ चला गया होगा। नहीं अंकल, मेरे पास तो नहीं आया, ना ही मुझसे बात हुई है। कहाँ जा सकते? पता नहीं मुझे, बहुत फिक्र हो रही है। कहाँ थे तुम लोग? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी तुम लोगों की, इतनी कॉल्स की। जी अंकल, जी यासिर आ गया है, मेरे सामने खड़ा है। अब जरा फोन दो इसे, मेरी बात कराओ इसे। जी, माफ करें। हेलो यासिर, ये क्या तरीका लगा रखा है तुमने? कहाँ चले गए तुम यूं अचानक? मैं परेशान हो गया हूँ, कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें, फोन भी नहीं उठा रहे तुम। है कोई तरीका ये तुम्हारा? अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह संभली भी नहीं है और तुम चले गए बाहर। अबू, फोन साइलेंट पे था मैं। या सर, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें कितनी तंबी की थी कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, लेकिन तुम कब परवाह करते? तुम फौरन बाहर चले गए, मैं कितना परेशान हो रहा था तुम्हारे। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। तुम्हारा यूं अकेले वहाँ फिरना ठीक नहीं। वो मैं यहाँ मनोहर से मिलने आया, ये जरूरी काम है। मगर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा। तुम तीनों यहाँ एक साथ? तुम तो कुछ बोल की नहीं रहे हो, बात क्या है? मनोहर, मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आया। क्या मतलब? मतलब ये कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मैं इसको पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ, तो तुमने से जो भी कहना है कह दो। मगर मायरा, इतना सब कुछ होने के बाद वो इतना कुछ भुगत चुका है, मौत के मुंह से वापस आया, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मेरा फैसला यही है और यासिर भी यही चाहता है। नूर, तुम ही समझाओ ना मायरा को। ऐसा मत करो यासिर, अपने और मेरे साथ इतना बुरा मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मानो तुम अपना ख्याल रखो, मैं आज के बाद नहीं। अब बस भी करो तुम दोनों, रुलाओगी क्या उसे? यार हम मजाक कर रहे हैं। ये सब क्या है? यासिर कहीं नहीं जा, वो यहीं रहेगा, हमने उसे माफ। और कल आपका इन मिस्टर के साथ निकाह है। यार तुम लोग, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है यार, रहमू बाबा का इतना समूह हो गया। हाँ मुझे तो पापा की सोच पर भी अफसोस हो रहा है। मैं तो ये समझती थी कि उनकी सोच सोसाइटी के मुताबिक है, मगर नहीं, उनकी सोच भी वैसी ही टिपिकल निकली। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही किसी से बात करने की, कब से अपने कमरे में बैठी। इतना बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए, और ऊपर से उन्होंने मुझे पापा से बात करने से भी मना कर दिया। चलो ठीक है, तुम अपनी मीटिंग अटेंड कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। बड़ी आई बिजनेसमैन कहीं। मैं कम इन सर। कम इन, यू आर लेट। आज आपका ऑफिस में सेकंड डे है, डू यू नो दैट? यस सर, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो मैं काम में फंस गई थी। उसका ये मतलब है कि जॉब आपके लिए सेकंड प्रायोरिटी? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई एम सॉरी। बी केयरफुल। काम की क्या प्रोग्रेस है? मैंने प्रेजेंटेशन बना ली है। ठीक है, भाई मुझे तो बड़ी खुशी है कि तुम दोनों ने अपने बीच की प्रॉब्लम्स को हल कर लिया। वेरी गुड, यही मैं चाहता हूँ कि अपने दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा करो, किसी भी गलत फहमी को अपने दरमियान मत आने, कोई मोहलत नहीं दो किसी भी गलत फहमी को जो तुम दोनों के दरमियान में दूरियां पैदा कर दे, फासले पैदा कर। जी
बेटा मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। एक तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी का क्या फायदा है? अबू आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं अब कभी भी किसी भी मसले को हम दोनों के बीच में नहीं आने दूंगा। मुझे यकीन मानिए, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप परेशान। मेरे ख्याल में अब सेलिब्रेशन का टाइम है, आप दोनों ये अपनी सारी बातें फिर कभी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। क्या काम? आपकी शादी की तैयारियां करनी। नहीं, कोई तैयारी नहीं। क्यों बेटा? मैंने और महानून ने डिसाइड किया है अबू के सब कुछ सादगी से हो, किसी भी शोर शराबे के बगैर। मैं और मौलवी साहब जाएंगे और निकाह पढ़कर आपके साथ। क्यों भाई, तुम्हारी कोई तीसरी या चौथी शादी हो रही है क्या? तुम बात को इस तरह दबा रहे हो। तो जब भी मुंह खोलता है फजूल बात ही करता। चलो भाई, जैसी तुम बच्चों की मर्जी, मैं तो बेटा तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, जिस तरह तुम चाहते हो कर। चलें फिर यही बता दें, कल जाना कितने बजे है वहाँ? जैसे ही वो लड़की को उठाना है। क्या हुआ, हवा क्यों निकल गई? देख भाई, इतनी ऊंची उड़ान मत, ये काम आसान नहीं है। ओ भाई, ओ कुछ अकल से काम ले, लड़कियां होगा करा रहे तू। मैंने तुम दोनों से मशवरा मांगा, ये अपने मुफ्त के मशवरे ना अपने पास रखो तुम लोग। ठीक है, ये बता प्लान क्या? महानूर को या उसकी दोस्त मायरा को, दोनों में से जो भी हाथ लगे उसको किडनैप करने और उठाकर यहां ला, यहां पे रखना उसको। कर लोगे ये काम? डन बेस पे? डन है। चलो फिर टूट पड़ो। क्या खाओ? खा दिल भर के खाओ। अगर भी खावा वेरी इंप्रेसिव। मैं तो समझती थी इस लड़की में स्पार्क है, लेकिन ये तो काफी टैलेंटेड और शार्प निकली। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, सिर्फ तो एक ही दिन में प्रेजेंटेशन तैयार कर ली। मुझे भी बहुत हैरानी हुई, बहुत ही इंटरेस्ट और डिवोशन से काम किया उसने। आई लव दिस, इट्स परफेक्ट प्रोजेक्ट। तुम इस पर फौरन काम शुरू कर दो। ओके मैम। और हाँ, नूर को अपने साथ रखो, वी नीड हर इन दिस। तुम देखना इस लड़की को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाने, फिर तुम देखना ये कितनी प्रॉफिटेबल साबित हो अपने लिए और इस कंपनी के लिए। श्योर। बाकी की टीम तुम खुद अरेंज करो। वैसे मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इसी वीक में एक मीटिंग अरेंज करूंगी। वेरी वेल मैम, और कुछ? नो। तो फिर लंच कर लो। ओह यस, चल। आज तो ना जाती ऑफिस, कल मेरा निकाह है, मुंह उठाया और चल दी। यार उसकी नई नई जॉब है ना, दूसरा दिन है, कैसे छुट्टी कर ले, वो तो फौरन जॉब से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, तुम उससे कहना कि शाम को यहीं पे आ जाए, घर ना जाए। ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ मायरा, थैंक यू सो मच। तुम्हें खुश होना भी चाहिए, खुशी की बात है। मैं यासिर की तरफ से मुतमईन हूँ अब, मुझे लगता है उसको उसके किए की सजा इस दुनिया में मिल चुकी है, तो बाकी आगे अल्लाह की मर्जी। मैं कौन होती हूँ किसी को भी सजा देने वाली या किसी के लिए कुछ भी जज करने वाली। अरे एक तो तुम हर बात पे सैड हो जाती हो,
अच्छा चलो अब हम कोई सीरियस बात नहीं करेंगे, ठीक है? स्माइल तो कर लो। बस जी अब बहुत बातें कर ली आप लोगों ने, चलें अब कुछ खा पी लेते हैं। ये देखो, कोई और ख्याल रखे या ना रखे, शमाना तो हमेशा सबका ख्याल रखती है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा वो मैंने ना सर्वर को ढोलक लेने के लिए भेज दिया, बस नूर बाजी आ जाए फिर हम सब मिलके खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। कर तो लिया इतना हल्ला गुल्ला, अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाय, कहाँ हल्ला गुल्ला किया था, सारा मजा ही किरकिरा हो गया था। मेरी बाजी का निकाह है, अब तो मैं खूब हल्ला गुल्ला करूंगी और खूब गाने गाऊंगी। चलो ठीक है ना, एंजॉय करने दो बेचारी को। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं बुलाना, बस हम घर घर के लोग होंगे। ओके अच्छा ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि विष्णु, रिलैक्स रिलैक्स। मुझे आपकी प्रेजेंटेशन काफी पसंद आई थी, पर चुप इसलिए था क्योंकि फाइनल अथॉरिटी तो मैं हूं नहीं। मैंने मैम को आपकी फाइल दिखाई, उनको आपका काम बहुत पसंद है और उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए गो हेड दे दी। तो उस प्रोजेक्ट को हेड मैं करूंगा और आप मुझे सर्च करेंगे। एंड वी हैव टू स्टार्ट वर्क फॉर द एक्शन वर्क। थैंक यू सो मच। इन फाइल की दो कॉपीज करा के मेरे रूम में, मैं टीम फाइनलाइज कर। ओके मैं करवा लेती। गुड। विष्णुर जी, आज आप लेट आई तो मुझे लगा कि शायद ये काम आप नहीं कर पाए, पर गुड कम बैक। अच्छा हुआ तू आ गया, क्या बना जॉब का, कुछ हुआ? नहीं यार, इंटरव्यू तो सिर्फ दिखावे हैं। अरे तू तो दुबई जाने वाला था ना, फिर यहाँ क्या कर रहा है? दुबई जाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास नहीं। जो जो पैसे थे वो भी एजेंट ले होगा। क्या, कितने पैसे थे? 1 लाख। 1 लाख रुपए? और तूने बगैर किसी इंक्वायरी को उसको सारी रकम दे दी? हाँ, मेरे अब्बा तो जैसे सीआईडी ऑफिसर हैं, जो इंक्वायरी करवा लेते। पैसों के साथ साथ मेरा घर भी गिरवी हो गया। मेरी माँ ऐसी टेंशन में रहती है कि कब वो आएगा और घर खाली करवा जाएगा। खाली करवा देगा? तू क्या कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। यार मेरा घर उसी लालची सूदखोर की नजर हो गया, अब वो कब आ जाए कुछ पता ही नहीं। और ऊपर से ये जॉब वो कहीं नहीं दे रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यार तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं तेरे लिए कुछ। मैं आज बहुत खुश हूँ, सबको मेरी प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई। और सर, सर ने तो मुझे फॉरेन असिस्टेंट रख लिया। रियली? हेल्प किसने की थी? जी जी मैडम, सारा क्रेडिट आप ही को जाना है। बस अब कुछ दिनों में बहुत बिजी हो जाऊंगा, पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना। तुम अपने काम में बिजी हो जाओगी, ये मैडम शादी करके चली जाएंगी, मैं क्या करूंगी पीछे? मैं तो जहां सीवीज दी है वहां से जवाब भी नहीं आया। कोई बात नहीं, आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लो और इंशाल्लाह आ जाएगा। उफ, बस करो तुम दोनों ऑफिस की बातें, बोर हो गई हूं मैं। माना कि मेरी कोई तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन निकाह तो हो रहा है ना, निफ्टी नहीं है कोई ब्राइड को।
हाय हाय बेचारी ब्राइड लेफ्ट आउट फील कर रही है। चलो थोड़ी सी लिफ्ट इसको करा देते हैं। हाँ भाई बताओ। अच्छा क्या से बदला है मैं, मेरा घर और बदला है और आज तुम्हें अपने साथ देखकर अपनी जिंदगी में यूं अपना साथी देखकर मुझे यकीन हो गया कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगा, शासिर को तो जिंदगी में एक लम्हा भी सुकून से नहीं रहने दूंगा, नहीं रहने दूंगा उसे सुकून से। मैं यहाँ खुद नहीं आया, मुझे यहाँ भेजा गया था। किसने भेजा? तुम्हारे वालिद इरशाद साहब।